दादा के श्राद्ध कर्म घाट पर आए दो भाई गंगा की गोद में समाए। कोलकाता पोर्ट अंचल के बाबू बाजार के साथ लगते अंचल में आज उस वक्त स्थानीय लोगों में हाहाकार मच गया जब उनके ही इलाके के दो भाई गंगा की लहरों में समा गए। लाल बाजार पुलिस सूत्रों ने उक्त जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि साउथ पोर्ट थाना इलाके के ग्वालियर घाट स्थित हुगली नदी में आज सुबह नहा रहे दो सगे भाई 18 वर्षीय नीतीश साहब और 19 वर्षीय सनी साहब गंगा की लहरों में समा गए। खबर लिखे जाने तक उक्त दोनों सगे भाइयों का पता नहीं चल सका था। पुलिस ने बताया कि दोनों की नदी में तलाश डीएमजी और ट्रैफिक पुलिस चला रही है। पुलिस ने बताया कि 49/5/H/189 काल मार्क सारणी के निवासी साव परिवार के लोग उपरोक्त दोनों भाइयों के दादा के श्राद्ध कर्म के लिए गंगा घाट पर आए थे। तभी नहाने के क्रम में नेवटिया केवेंट के कक्षा 10वीं का छात्र नीतीश साव गंगा की धारा में डूबने लगा। वहीं अपने छोटे भाई को बचाने के क्रम में बड़ा भाई सनी साव भी अपने भाई के साथ गंगा की लहरों में समा गया। सनी साव खिदीरपुर कॉलेज के बीए प्रथम वर्ष का छात्र था। खबर लिखे जाने तक उक्त घटना को लेकर नदी की धारा में समाये युवकों के इलाके में मातम पसरा हुआ था और इलाके के लोग उक्त हादसे की चर्चा कर रहे थे। वो पानी में गिर गया, उसका जो बड़ा भाई था वो उसको बचाने जा रहा था तो भी जंप किया, ये लोग दोनों आपस में ही मतलब एक दूसरे को पकड़ लिए तो वो लोग डूब के आगे चले गए। और यहाँ पर जितना भी आदमी था कोई कुछ नहीं किया, घर वाला लोग ये लोग चाहता वो लोग चाहता तो बचा सकता था पर वो लोग बचा सकता ट्यूब फेंक सकता था या नहीं, वो लोग जितना भी है सबको तैरने आता ही है, सब कोई था पर कोई कुछ किया नहीं, खड़ा होकर तमाशा देख रहा था इस तरह से। ये लोग क्या हर समय गंगा में नहाने दो दिन पहले भी इनके दादाजी एक्सपायर किए थे, एक महीना पहले एक्सपायर किए थे तो उनका वही कुछ ही होता है रिवाज था तो वो लोग पूरा करने आए थे। बड़ी यहाँ पे आप लोग कौन है? हम लोग उसके दोस्त हैं, घर के पास रहते हैं। बड़े भाई का नाम क्या है? सनी। उम्र क्या है उसका? 21 साल। और छोटा भाई? छोटा भाई का नाम है नीतीश साव, उसका साल है 17 साल। तो इसका मतलब छोटा भाई को बचाने के लिए बड़ा भाई कूद पड़ा था और वो भी उसका साथ में पानी में चला गया। तो इसका बाद विभाग ट्रैफिक पुलिस कितना बजे आया? सर से 1.5 घंटा फोन किए, पुलिस देरी से आया, उसके बाद धीरे धीरे सब एक्शन ले रहा था। उसके बाद मतलब आने के बाद भी समझिए कि कम से कम 1 घंटा तो हम लोग के आँख के सामने उसके बाद एक ही जगह वहीं बार बार घुस डूब रहे हैं निकल रहे हैं। वो पानी में गिर गया, उसका जो बड़ा भाई था वो उसको बचाने जा रहा था तो भी जंप किया, ये लोग दोनों आपस में ही मतलब एक दूसरे को पकड़ लिए तो वो लोग डूब के आगे चले गए। और यहाँ पर जितना भी आदमी था कोई कुछ नहीं किया, घर वाला लोग ये लोग चाहता वो लोग चाहता तो बचा सकता था पर वो लोग बचा सकता ट्यूब फेंक सकता था या नहीं, वो लोग जितना भी है सबको तैरने आता ही है, सब कोई था पर कोई कुछ किया नहीं, खड़ा होकर तमाशा देख रहा था इस तरह से। ये लोग क्या हर समय गंगा में नहाने? दो दिन पहले इनके दादाजी एक्सपायर किए थे, 1 महीना पहले एक्सपायर किए थे तो उनका वही कुछ ही होता है रिवाज था तो वो लोग पूरा करने आए थे। बड़ी यहाँ पे आप लोग कौन है? हम लोग उसके दोस्त हैं, घर के पास रहते हैं। बड़े भाई का नाम क्या है? सनी। उम्र क्या है उसका? 21 साल। और छोटा भाई? छोटा भाई का नाम है नीतीश साव, उसका साल है 17 साल। तो इसका मतलब छोटा भाई को बचाने के लिए बड़ा भाई कूद पड़ा था और वो भी उसका साथ में पानी में चला गया। तो इसका बाद विभाग ट्रैफिक पुलिस कितना बजे आया? सर से 1.5 घंटा फोन किए, पुलिस देरी से आया, उसके बाद धीरे धीरे सब एक्शन ले रहा था। उसके बाद मतलब आने के बाद भी समझिए कि कम से कम 1 घंटा तो हम लोग के आँख के सामने उसके बाद एक ही जगह वहीं बार बार घुस डूब रहे हैं निकल रहे हैं। क्या आप भी बनना चाहते हैं खबरों की दुनिया का हिस्सा? बनना चाहते हैं एक बेहतरीन रिपोर्टर, एंकर या फिर पब्लिक स्पीकर? हालाते बंगाल और न्यूज टैग इंडिया लेकर आया है एक बेहतरीन मौका, जहां सिर्फ 2 महीने में आप सीख सकते हैं न्यूज एंकरिंग, कैमरा हैंडलिंग, न्यूज रिपोर्टिंग, एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग और भी बहुत कुछ। सिर्फ यही नहीं, कोर्स के बाद पाएं न्यूज चैनल्स में गारंटीड इंटर्नशिप का मौका। तो फिर उठाइए फोन और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके खुद को करिए एनरोल।